एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामास। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। इस बच्चे का नाम ब्रूनो होता है। यह शहर बर्लिन होता है। ब्रूनो यहाँ से सीधा अपने घर पर आ जाता है। ब्रूनो अपने घर में देखता है तो उसके घर का सारा सामान सरेटा जा रहा था। ब्रूनो को नहीं पता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तभी ब्रूनो की मम एल्सा यहाँ पर आती है और वह ब्रूनो से बोलती है कि तुम्हारे डैड का प्रमोशन हो चुका है, इसीलिए हमें भी तुम्हारे डैड के साथ यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो यहाँ से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ब्रूनो का डैड राल्फ भी यहीं पर होता है। ब्रूनो अपने डैड को बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन ब्रूनो की बहन ब्रूनो को समझाती है कि हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर और दूसरे दोस्त बना लेंगे। ब्रूनो का डैड राल्फ बोलता है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वह घर इससे काफी बड़ा है। शाम तक इसी घर के अंदर राल्फ के प्रमोशन के लिए एक पार्टी होती है, लेकिन ब्रूनो इस पार्टी में भी खुश नहीं होता। अगली सुबह वह अपने दोस्तों के साथ इसी घर में खेलता है। तभी ब्रूनो को यह घर छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। ब्रूनो आखिरी बार इस घर को देखकर यहाँ से चला जाता है। ये सभी लोग एक घर तक पहुँच जाते हैं। यह घर काफी बड़ा होता है, सभी को पसंद भी आता है, लेकिन ब्रूनो का इस घर में दिल नहीं लगता क्योंकि उसके साथ खेलने वाले दोस्त यहाँ पर हैं ही नहीं। ब्रूनो इस बहुत बड़े घर में अकेला रहता है और इसी वजह से वह हर वक्त उदास रहता है। ब्रूनो एक दिन खिड़की से देखता है, बहुत दूर छोटे छोटे घर नजर आते हैं। इस खिड़की से बच्चों के खेलने की आवाज आती है। ब्रूनो अपनी मम से बोलता है कि मुझे यहाँ पर बच्चों की आवाज सुनाई दी है, क्या मैं उनके साथ खेल सकता हूँ? ब्रूनो की मम हाँ बोलती है। तभी यहीं पर एक किसान आता है जिसके हाथ में सब्जियां होती हैं। तो ब्रूनो का ध्यान भी इस किसान पर जाता है और वह देखता है कि इस किसान ने अपने कपड़ों के नीचे एक पजामा पहना हुआ है जो अलग तरह से दिख रहा है, और ब्रूनो इसके बारे में अपनी मोम से पूछता है। लेकिन ब्रूनो की मोम के पास ब्रूनो के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वह वहाँ से चली जाती है। ब्रूनो बाद में सेम यही बात अपने डैड से भी पूछता है। उसका डैड भी ब्रूनो की इस बात का जवाब नहीं दे पाता। तभी वहीं पर ब्रूनो की मोम आती है और बोलती है कि तुमने फार्म के बारे में किससे सुना, किसने तुम्हें बताया कि फार्म के अंदर बच्चे खेलते हैं? ब्रूनो बता देता है कि मैंने मेरे रूम की खिड़की से यह सब देखा। ब्रूनो की मोम ब्रूनो को यहाँ से ले जाती है और अपने हस्बैंड राल्फ से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि हमारे घर से कैदी बहुत दूर रहते हैं। राल्फ बोलता है कि कैदी तो बहुत दूर है, मुझे नहीं पता कि ब्रूनो ने उन्हें कैसे देखा। दरअसल ब्रूनो ने जिस चीज को देखा होता है वह एक कैंप होता है जहाँ पर जूस लोग और कैदियों को रखा जाता है, और यह वह वक्त था जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था। बाद में ब्रूनो के बेडरूम की इस खिड़की को भी बंद कर दिया जाता है। ब्रूनो अब पूरा दिन घर में अकेला रहता है, वह अकेला ही गेम खेलता है। ब्रूनो को अपने घर का एक दिन पिछला दरवाजा दिखता है जहाँ से वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोम उसे देख लेती है और उसे जाने नहीं देती। रात को ब्रूनो का डैड राल्फ बोलता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन के लिए एक टीचर यहाँ पर बुलवाया है ताकि वो तुम्हें यहाँ पर पढ़ा सके। ब्रूनो को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वह खुद स्कूल जाना चाहता था, बच्चों के साथ खेलना चाहता था। इस चीज से वह काफी उदास रहता है। यहीं पर एक लेफ्टिनेंट होता है जो ब्रूनो के डैड के लिए काम करता है। ब्रूनो उससे बोलता है कि मुझे एक टायर चाहिए ताकि मैं झूला बना सकूं। लेफ्टिनेंट यहाँ पर उसी किसान को आवाज लगाता है और वह उससे गुस्से में बोलता है कि ब्रूनो को जो टायर चाहिए वो स्टोर रूम से लाकर इसे दे दो। यह बूढ़ा आदमी ब्रूनो को स्टोर रूम में ले जाता है। ब्रूनो यहाँ पर एक खिड़की को भी देखता है और बाद में ब्रूनो इसी टायर से एक झूला बनाकर झूलने लगता है, लेकिन तभी वह आसमान में देखता है कि धुआं उठ रहा है, और जब वह झूलते टाइम इसे खड़ा होकर देखने लगता है तब उसके पैर पर चोट लग जाती है। बाद में वही किसान ब्रूनो की मरहम पट्टी करता है, लेकिन तभी यहीं पर ब्रूनो की मोम आती है। ब्रूनो सच्चाई बता देता है कि मैं टायर पर झूला झूल रहा था, तभी मैं गिर गया और इसी किसान ने मुझे बचाया। ब्रूनो की मोम इस किसान को थैंक यू बोलती है। तब तक इनके घर पर ट्यूटर भी आ जाता है जो ब्रूनो और ग्रेटल इन दोनों भाई बहनों को पढ़ाता था, लेकिन यह ट्यूटर इन दोनों को नाजीज का इतिहास पढ़ाता है जो ब्रूनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन ब्रूनो वापिस से स्टोर के अंदर जाता है और उसी खिड़की की मदद से इस घर से बाहर चला जाता है। यहाँ काफी बड़ा जंगल होता है। ब्रूनो यहाँ पर आकर खुश होता है और ब्रूनो यहाँ से उसी दिशा में जाता है जहाँ से धुआं आ रहा था। ब्रूनो यहाँ पर एक फार्म को देखता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। यहाँ ब्रूनो एक छोटे से बच्चे को भी देखता है। ब्रूनो इस छोटे बच्चे से बोलता है कि क्या तुम्हारे दोस्त हैं? यह लड़का बोलता है कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। ब्रूनो इसे अपना नाम बताता है तो यह लड़का ब्रूनो को भी अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम सैमुअल है और मैं 8 साल का हूँ। ब्रूनो भी बोलता है कि मैं भी 8 साल का हूँ, लेकिन सैमुअल बहुत भूखा होता है। वह ब्रूनो से पूछता है कि तुम्हारे पास खाना है, लेकिन ब्रूनो के पास कोई खाना नहीं होता। तभी यहाँ पर एक आवाज होती है और सभी कैदियों को अंदर बुलाया जाता है, इसीलिए सैमुअल को भी यहाँ से जाना पड़ता है और ब्रूनो उदास मन से अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन ब्रूनो वहाँ पर फिर से जाता है। वह अपने साथ एक फुटबॉल लेकर जाता है, साथ ही कुछ चॉकलेट लेकर जाता है, लेकिन सैमुअल वहाँ पर आता ही नहीं, इसीलिए ब्रूनो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपने घर वापिस आ जाता है। अगले दिन ब्रूनो अपने मॉम डैड के घर से जाते ही वापिस उसी जगह पर आ जाता है और आज ब्रूनो सैमुअल से मिलता है। ब्रूनो पूछता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? सैमुअल बताता है कि हम कैदी हैं
और सोल्जर्स ने हमसे कपड़े छीन लिए। ब्रूनो यहाँ पर सैमुअल के लिए खाना भी लेकर आया है और ब्रूनो सैमुअल के साथ खेलना भी चाहता है, लेकिन सैमुअल का सारा ध्यान खाने पर होता है। ब्रूनो सैमुअल की तरफ अपनी बॉल को फेंकता है, लेकिन सैमुअल उसे वापस से बॉल देकर बोलता है कि मैं यहाँ पर कैदी हूँ और यहाँ पर गेम नहीं खेल सकता क्योंकि बाद में मुझे नाजी सोल्जर मार देंगे। तभी वापस से सीटी बजती है और सैमुअल को यहाँ से जाना पड़ता है। ब्रूनो की मॉम जब अपने घर पर होती है तब वह फार्म में उठते हुए धुएं को देखती है और वह इस बारे में लेफ्टिनेंट से पूछती है, तो लेफ्टिनेंट बताता है कि कमजोर और बूढ़े लोगों को मारकर उनकी बॉडी को जलाया जाता है और यह धुआं उन्हीं का है। एल्सा इस बारे में राल्फ से बात करती है। एल्सा राल्फ से बोलती है कि यह सब बंद करना होगा, लेकिन राल्फ बोलता है कि यह सब हिटलर के आदेश है, मैं इन्हें बंद नहीं कर पाऊंगा। शाम तक यहाँ पर ब्रूनो के दादाजी भी आते हैं। जब वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर वही किसान इन सभी को खाना सर्व कर रहा होता है, लेकिन उससे गलती से लेफ्टिनेंट का गिलास गिर जाता है जिससे लेफ्टिनेंट उसे अंदर लेकर जाता है और उसे बहुत पीटता है। ब्रूनो की मॉम इस बात से डर जाती है और ब्रूनो भी बेचारा सहम जाता है कि आखिर इतनी छोटी गलती के लिए उस बेचारे किसान को कितनी बड़ी सजा मिल रही है। ब्रूनो रात को अपनी बहन के साथ होता है तो उसकी बहन बोलती है कि जिसे तुम फार्म समझते हो वह फार्म नहीं है, वहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, जूस लोगों को रखा जाता है जो बहुत बुरे होते हैं, और ग्रेटल को यह सब उसके ही टीचर ने बताया होता है। अगली सुबह ब्रूनो देखता है कि उनके घर पर सैमुअल आया होता है और वहाँ की सफाई कर रहा है। ब्रूनो सैमुअल को देखकर खुश होता है और उसे खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन तभी यहीं पर लेफ्टिनेंट आ जाता है जो सैमुअल से गुस्से में बोलता है कि तुमने खाना चुराया है, लेकिन सैमुअल बोलता है कि यह खाना ब्रूनो ने मुझे दिया है। लेफ्टिनेंट जब ब्रूनो से यहीं पूछता है कि तुमने इसे खाना दिया, तब ब्रूनो डर के मारे मना करता है और बोलता है कि मैं तो इसे जानता भी नहीं, और ब्रूनो अपने कमरे में अंदर आकर रोने लगता है। इसीलिए वापस से वह अपने दोस्त को देखने के लिए जाता है तो उसका दोस्त वहाँ पर होता ही नहीं, वहाँ पर वह औरत होती है जो इनके घर का काम करती है। इसका मतलब सोल्जर सैमुअल को सजा देने के लिए ले गए। उसी रात इनके घर पर बहुत सारे सोल्जर आते हैं और ये सभी सोल्जर्स उस फार्म की एक डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं। ब्रूनो भी यह सब छुपकर देख रहा था और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया जाता है कि फार्म के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वे सभी खुश हैं और खुशहाली से अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए ब्रूनो को भी यही लगता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खुश रहते हैं। इसीलिए ब्रूनो अपने दोस्त सैमुअल से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सैमुअल वहाँ पर होता ही नहीं। इस तरह से ब्रूनो को वहाँ जाते हुए 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सैमुअल वहाँ आता ही नहीं। ब्रूनो एक दिन और जाता है तब वहाँ पर सैमुअल वहीं पर होता है। ब्रूनो देखता है कि सैमुअल की आंख पर चोट लगी हुई है जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। तब ब्रूनो और सैमुअल यहाँ पर एक साथ खेलते हैं। सैमुअल बहुत खुश होता है। ब्रूनो की मॉम एल्सा अब राल्फ से नाराज हो जाती है क्योंकि एल्सा को लगता है कि राल्फ मासूम लोगों को मार रहा है। इसलिए राल्फ फैसला करता है कि वह अपने दोनों बच्चों को यहाँ से दूर भेज देगा ताकि उसके बच्चों को यह सब ना देखना पड़े। इसीलिए वह अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और वह ब्रूनो से पूछता है कि तुम यहाँ पर खुश हो। ब्रूनो हाँ में जवाब देता है। ब्रूनो की बहन ग्रेटल यह सब देखकर हैरान रहती है क्योंकि ब्रूनो जब यहाँ पर आया था तब वह जगह उसे पसंद भी नहीं थी, लेकिन अब ब्रूनो यहाँ पर खुश है क्योंकि ब्रूनो को उसे अपना दोस्त मिल चुका है। लेकिन फिर भी उसका डैड फैसला करता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से दूर भेज दूंगा। ब्रूनो यह सब बताने के लिए अपने दोस्त सैमुअल के पास जाता है और बोलता है कि कल दोपहर को हम यहाँ से निकल जाएंगे और मैं तुमसे यहाँ पर आखिरी बार मिलने के लिए आया हूँ। सैमुअल ने यहाँ पर ब्रूनो से एक दिन अपने डैड के बारे में बात की थी कि मेरे डैड यहाँ पर कैंप में खो चुके हैं। ब्रूनो बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने में मदद करूंगा, और ब्रूनो के हाथ में एक लकड़ी होती है। उसकी मदद से उसे पता चलता है कि ये लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, इसलिए ये दोनों यहीं पर कल मिलने का फैसला करते हैं। ब्रूनो अगले दिन फिर से सैमुअल से मिलने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसके पास फावड़ा होता है। सैमुअल भी ब्रूनो के लिए कपड़े लाया होता है ताकि ब्रूनो सैमुअल की तरह दिख सके और दूसरा कोई उसके ऊपर शक ना कर सके, क्योंकि ब्रूनो इस फार्म के अंदर जाकर सैमुअल के डैड को ढूंढना चाहता है। ब्रूनो यहाँ पर तारों के नीचे खुदाई करके इस फार्म के अंदर पहुंच जाता है और वह भी इन कैदियों के कपड़े पहन लेता है, और ये दोनों फार्म के अंदर जाकर सैमुअल के डैड को ढूंढना शुरू करते हैं। ब्रूनो इस फार्म में आते उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और वह वापस से अपने घर पर जाना चाहता है, लेकिन सैमुअल बोलता है कि फिर मेरे डैड को कौन ढूंढेगा। इसीलिए सैमुअल के डैड को ढूंढने के लिए ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यहीं पर नाजी सोल्जर आ जाते हैं जो इन सभी को पकड़कर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इनमें ब्रूनो को भी ले जाया जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता होता कि ब्रूनो एक सोल्जर का बेटा है। वहीं घर पर ब्रूनो की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ब्रूनो नहीं मिल रहा। इसीलिए राल्फ और बाकी सोल्जर भी ब्रूनो को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये सब लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर फार्म है, और राल्फ देखता है कि ब्रूनो इन तारों के नीचे से फार्म के अंदर चला गया है। वहीं फार्म के अंदर सभी जूस लोगों को एक बहुत बड़े कमरे के अंदर लाकर बंद कर दिया जाता है। उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं और इन सभी जूस लोगों के आगे दरवाजा बंद कर दिया जाता है, और ये इस कमरे के अंदर होते हैं उसमें एक गैस छोड़ी जाती है। ब्रूनो का डैड भी ब्रूनो को ढूंढता हुआ फार्म के अंदर आ जाता है, लेकिन उसे ब्रूनो कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज यहाँ के सभी कैदी मरने वाले थे, इसीलिए वह चिमनी के पास जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हॉल के अंदर बिल्कुल सन्नाटा होता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी जूस लोग कैदी थे वो सब मर चुके हैं और उन सभी के साथ ब्रूनो का भी अंत हो गया। इसीलिए ब्रूनो का डैड जोर से ब्रूनो नाम चिल्लाता है। तब तक ग्रेटल और एल्सा भी वहीं पर पहुंच जाती हैं जहां तारों के नीचे से ब्रूनो अंदर आया है।
और वे देखकर समझ जाते हैं कि ब्रूनो अंदर गया था और अंदर के सभी लोग जलकर मर चुके हैं। और इस बात से एल्सा और ग्रेटल दोनों रोने लगती हैं। मूवी के आखिर में इस बहुत बड़े हॉल का दरवाजा दिखाया जाता है, साथ ही जूस लोगों के वो कपड़े दिखाए जाते हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। और इसी के साथ यह फिल्म यह कहानी पर पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।